तो आओ यार अपने कान में ईयरफोन्स डाल लो। क्या डाल भी लिए? बहुत तेज हो रहा है, बहुत तेज हो रहा। छोड़ी रे छोड़ी, पार्सल ऐसे भूल आएगा तेरा माल आएगी तब कैसे आए? उठाइए दोनों हाथ और बोलिए मेरे साथ। क्या है उसे बोलने का? चेंज म्यूजिक। अगर तुम लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उसके साथ स्कैम करो या फिर महफिल जमाओ, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए। तो ओके गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ सब बढ़िया होंगे। सो गाइस, जो अभी स्टार्टिंग में वीडियो देखे उस प्रकार का डीजे स्टेटस वीडियो आप लोग भी अपना फोटो लगा कर बनाना चाहते हैं तो हमारे चैनल बने रहिए, और चैनल में नहीं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए गाइस वीडियो को शुरू कर लेते हैं। तो अलाइट मोशन को इस प्रकार से ओपन कर लेना है। अगर आपके पास अलाइट मोशन नहीं है तो मेरे टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगा, वहाँ से डाउनलोड कर लेना। तो ओपन करने के बाद नीचे की तरफ है प्लस का ऑप्शन, उसके बगल में प्रोजेक्ट, तो प्रोजेक्ट में क्लिक कर लेना है। उसके बाद यहाँ पर बिटमार्क और स्टैक इफेक्ट, इन दोनों का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो वहाँ से इनपुट कर लीजिएगा अलाइट मोशन में। तो सबसे फर्स्ट में बिटमार्क को ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद यहाँ पर फोटो ऐड करना, तो फोटो ऐड करना है, इन सब में बीट में फोटो ऐड करना है। तो फोटो ऐड करने के लिए यहाँ प्लस ऑप्शन में क्लिक करना, फिर मीडियम में जाना और यहाँ से फोटो ऐड कर लेना है। फिर यहाँ थ्री डॉट में यहाँ क्लिक करना है और यहाँ से फुल स्क्रीन में कर लेना है। उसके बाद यहाँ तीर के निशान में क्लिक करना और एक्स्ट्रा पार्ट को यहाँ से कट कर देना है। फिर प्लस के ऑप्शन में क्लिक करना, फिर मीडियम जाना, फिर अगला फोटो को लेना है, फिर थ्री डॉट में क्लिक करना और यहाँ से फुल स्क्रीन में कर देना है। उसके बाद फिर तीर के निशान में यहाँ पर क्लिक करना और एक्स्ट्रा पार्ट को कट कर देना है। फिर प्लस के ऑप्शन में क्लिक करना, फिर मीडियम जाना, फिर अगला फोटो को लेना, फिर थ्री डॉट में यहाँ पर क्लिक करना और यहाँ से फुल स्क्रीन में कर लेना है। फिर यहाँ तीर के निशान में क्लिक करना और एक्स्ट्रा पार्ट को कट कर देना है। फिर प्लस के ऑप्शन में क्लिक करना, फिर मीडियम जाना है, फिर अगला फोटो को लेना है, फिर यहाँ थ्री डॉट में क्लिक करना करना और यहाँ से फुल स्क्रीन में कर देना, और फिर तीर के निशान में क्लिक करना और यहाँ से फुल स्क्रीन में कर देना है। फिर प्लस के ऑप्शन में क्लिक करना, फिर मीडियम जाना है और फिर अगला फोटो को लेना, फिर थ्री डॉट में क्लिक करना और यहाँ से फुल स्क्रीन में कर देना है। फिर तीर के निशान में क्लिक करना और यहाँ से एक्स्ट्रा पार्ट को कट कर देना, फिर प्लस के ऑप्शन में क्लिक करना, फिर मीडियम जाना और फिर अगला फोटो को लेना, फिर थ्री डॉट में क्लिक करना और यहाँ से फुल स्क्रीन में कर देना, फिर एक्स्ट्रा पार्ट को यहाँ से तीर के निशान में क्लिक करना और एक्स्ट्रा पार्ट को कट कर देना है। तो गाइस इसी प्रोसेस से ऑल बीट में फोटो को ऐड कर लेना है। ऑल बीट में हम पहले से कर चुके हैं ऐड फोटो, तो आप लोग भी कर दीजिएगा। उसके बाद शेक इफेक्ट लेना है, तो शेक इफेक्ट लेने के लिए थोड़ा फिर बैक आ जाना है, फिर शेक इफेक्ट को ओपन करना है और यहाँ पर नंबर वन इफेक्ट को कॉपी करना है। तो फोटो में क्लिक करना, फिर इफेक्ट में जाना, फिर थ्री डॉट में यहाँ पर क्लिक करना और यहाँ से कॉपी इफेक्ट कर लेना है। उसके बाद फिर बैक आ जाना है, फिर बीट मार्क को ओपन करना है और फिर यहाँ पर नंबर वन फोटो में क्लिक करना है और फिर यहाँ इफेक्ट में क्लिक करना है, थ्री डॉट में क्लिक करना है, यहाँ से पेस्ट इफेक्ट कर देना है। उसके बाद यहाँ फिर नंबर वन इफेक्ट लगने वाला है, यहाँ भी क्लिक करना फोटो में, फिर इफेक्ट में जाना, फिर यहाँ थ्री डॉट में क्लिक करना है, यहाँ से पेस्ट इफेक्ट कर देना है। उसके बाद यहाँ पर नंबर टू इफेक्ट लगने वाला है, तो फिर बैक आ जाना है, फिर से इफेक्ट को ओपन करना है। उसके बाद फिर नंबर टू इफेक्ट को कॉपी करना, तो फिर फोटो में क्लिक करना, फिर इफेक्ट में जाना, फिर थ्री डॉट में क्लिक करना है, यहाँ से कॉपी इफेक्ट कर लेना। उसके बाद फिर बैक आ जाना है, फिर बिट मार्क को ओपन करना है, उसके बाद फिर नंबर टू फोटो में जाना है यहाँ पर, और फोटो में क्लिक करना, फिर इफेक्ट में जाना, थ्री डॉट में क्लिक करना, यहाँ से पेस्ट इफेक्ट कर देना। सो गाइस इसी प्रोसेस से ऑल फोटो में इफेक्ट को कॉपी पेस्ट कर लेना। उसके बाद थोड़ा फिर आगे आ जाना है, आगे आने के बाद तीन सेकेंड में उसके बाद यहाँ पर एक वीडियो क्लिप ऐड करना है, यहाँ वीडियो क्लिप ऐड करना है। तो ऐड करने के लिए यहाँ प्लस ऑप्शन में क्लिक करना, फिर मीडियम जाना और यहाँ फिर फाइल में क्लिक करना और यहाँ से जिस फाइल में रहेगा उस फाइल से ले लेना है। और वीडियो क्लिप का साउंड को क्लिक करना और साउंड को यहाँ से पूरा म्यूट कर देना, जीरो कर देना है।
तो गैस इसी प्रोसेस ऑल बीट में फोटो ऐड कर लेना और सेक इफेक्ट को कॉपी पेस्ट कर देना। सो गैस आज का वीडियो पसंद आए तो लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर देना, और वीडियो बनाने में कोई भी प्रॉब्लम होता है तो व्हाट्सएप ग्रुप में जरूर मैसेज करना। थैंक यू सो मच।